अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ईवीएम्स के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो। और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूँ। वैसे बहुत बार बता चुका हूँ, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई, ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से ख़राब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है, कभी कहा कि इसमें वायरस लगी नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे, क्यों बार बार वही बिलाप करना है। कोई चीज़ है तो हमसे पूछिए, हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती। एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल एक दो एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री हैं, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल गया। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या, क्या निकला किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं, अच्छा जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको आपको FAQs में डाल देंगे, 100+ क्वेश्चंस हैं। और भाई पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द ईवीएम्स, देर आर मेनी स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज विच इन द एज ऑफ द बैलेट पेपर्स माइट हैव नॉट कम इनटू द एग्जिस्टेंस, इट वॉज द फेयरनेस and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है, फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेज ऑन EVM, इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे, इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां EVM ने बदल दी। तो मुझे भी EVM पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये EVM कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो। और बाद में गोया
जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? EVMs आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ इन लास्ट 2 years, अगेन वी हैव डन लार्ज नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स। एक एक EVM की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जो MCC के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, पूछना नहीं चाह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए, सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं, उसमें जहां जहां कोई भी वॉयलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन दी बिगिनिंग इशूट। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउस एवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी मे बी, वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक एक्शन।